स्टूडेंट्स, टुडे वी विल सॉल्व एक्सरसाइज 7.2 ऑफ एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8. द नेम ऑफ द चैप्टर इज क्यूब्स एंड क्यूब रूट्स. स्टूडेंट्स, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इज फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो करते हैं कुछ क्वेश्चंस को. फर्स्ट क्वेश्चन लाइक ए पार्ट. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आपने चैप्टर 6 में भी सीखी हुई है. आगे हम जाके सीखेंगे क्यूब रूट कैसे निकालना है. ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करते हैं. 512 करता हूँ सबसे पहले बी पार्ट. ठीक है, 512. जैसे कि आपको पता होगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जिस भी नंबर से आप डिवाइड करने वाले हैं, इट मीन जो ये लाइन है वर्टिकल लाइन, इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो भी नंबर आएंगे ये सारे के सारे नंबर क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होने चाहिए, तभी ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कहलाती है. ऐसा नहीं कि यहाँ पे 4 से आप डिवाइड करने लग गए और आप बोल रहे हैं कि नाम क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, तब वो गलत हो जाएगा. तो आपको डिवाइड किससे करना है, ओनली बाय प्राइम नंबर्स. सो 2 इज अ प्राइम नंबर, सो वी विल डिवाइड बाय 2. 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4, 2 8 जा 2 6 जा 2 4 जा 2 32, 2 16, 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा और 2 1 जा. ठीक है, ये तुम्हारे फैक्टर्स हो गए. अब आपको लिख देना है क्या, 512 इक्वल टू क्या फैक्टर निकल के आया यहाँ पे इसके, 2. कितने 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. अब देखिए बेटा, जैसे कि हमने लास्ट एक्सरसाइज में सीखा था, जब भी क्यूब करते हैं तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ क्यूब, कि अ नंबर मल्टीप्लाई बाय इटसेल्फ 3 टाइम्स देन द ऑब्टेन नंबर विल बी कॉल्ड एज द क्यूब ऑफ द गिवन नंबर. सो यहां पर देखिए बेटा, 3 टाइम्स का पेयर आपको बनाना है, क्योंकि क्यूब में 3 3 का बनता है पेयर, स्क्वायर में किसका बनता था, 2 2 का पेयर बनता था. तो देखिए यहाँ पे ये पेयर बन चुका. अब जो पहला पेयर बना उसमें से आपको 2 ले लेना है, एक लेना है बस. जैसे कि यहाँ पे अगर 3 3 3 होता तो आपको एक 3 ले लेना था. इस वाले से भी ले लेंगे, मैं खाली एरो लगा रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, आपको ऐसा कुछ करना नहीं है. आपको तो नॉर्मली 2, फिर इसमें से भी 2 और इस पेयर से भी क्या लेना है, 2 ले लेना है और मल्टीप्लाई. तो जो भी 3 का पेयर बनेगा उसमें से एक लेना होता है, इस पेयर में से भी एक, इस पेयर में से भी एक. तो अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए. ध्यान रहे यहाँ पे मल्टीप्लाई करते वक्त 20% स्टूडेंट, अगर हम 100 की बात करें तो 20 क्या समझते हैं, 2 3 जा 6 लिखते हैं इसको, ये गलत होता है बेटा. 2 3 जा 6 नहीं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8. तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 512 इक्वल टू 8. ठीक है, ऐसे ही आपको कुछ और पार्ट्स करके दिखाते हैं हम. देखिए जैसे मैं फिफ्थ पार्ट करता हूँ, ठीक है, सारे पार्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत ज़्यादा ईजी है. 15 6 25. ठीक है, तो कैसे करना है, हमें सबसे पहले वही कि प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे इसे, 15 6 2 5. तो 5 से डिवाइड करेंगे क्योंकि 5 पर डिविजिबिलिटी रूल यहाँ पे पास हो रहा है. 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 5 जा. 5 से डिवाइड किया, 5 2 जा 10, 5 5 जा 5 5 जा 5 1 जा. ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट फैक्टर्स ऑफ 15 6 2 5 इक्वल टू कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. फिर से वही बात रिपीट हो रही है क्या, कि आपको पेयर बना लेने हैं. अच्छा हाँ, यहाँ पे ये भी जो लिख रखा है ना, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर, ये क्यूब रूट निकालने को जब बोलता है ना, तो आपके एक बार अगर 5 से डिवाइड हो गया तो ऑटोमेटिकली अगले 2 तो 5 5 होंगे होंगे. मतलब कि जैसे 5 से डिवाइड किया ना आपने फर्स्ट वाला, तो उसके बाद 2 5 तो जरूर आएंगे आएंगे. मान लो यहाँ पे अगर 2 से डिवाइड होता तो अगली बार 2 और 2 कंपलसरी है, आएंगे ही आएंगे, अगर वो परफेक्ट क्यूब नंबर है. और वैसे भी परफेक्ट क्यूब नंबर है तभी आपसे बोला है कि क्यूब रूट निकालिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से. तो बहुत ज़्यादा इजी होने जाने वाला, मान ले अगर एक बार 5 आता तो अगला वाला वही आता है. अगर पहली बार ही 13 से होता तो अगले 2 भी 13 होते, आपको सोचने की जरूरत नहीं है. ठीक है,
तो इस पेयर से भी हमने क्या ले लिया, एक फाइव ले लिया, इस पेयर से भी हमने क्या ले लिया, एक फाइव ले लिया, क्योंकि थ्री थ्री का पेयर बनता है इसमें, एक एक टर्म को ले लेते हैं, क्यूब रूट निकालते हैं, तो क्या आ गया इसका मल्टीप्लीकेशन, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे 15625 क्यूब रूट ऑफ 15625 इक्वल टू 55 या 25। ठीक है, कुछ और पार्ट्स करते हैं, लाइक सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट इज 13824। ठीक है, देखते हैं 13824, टू का डिविजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है यहाँ पे पास, तो टू से डिवाइड कर लेते हैं, टू सिक्स जा 12, टू नाइन जा 18, टू वन जा 22 जा, फिर टू से कर लेते हैं, टू थ्री जा 6, टू फोर जा 8, टू फाइव जा 10, टू सिक्स जा 12, फिर टू से कर लेते हैं, टू 17 हो जाएगा क्योंकि 17 टू जा 34 होता है, टू टू जा 4, टू एट जा, टू से कर लेते हैं, टू 28 जा 26 जा 24 जा 24 जा 23 जा 22 जा 21 जा 22 जा 21 जा 26 जा, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड जाएगा 21 जा 0, 28 जा, 2 से डिवाइड जाएगा 25 जा 10, 24 जा। ठीक है, फिर से हो जाएगा 2 से कितनी बार 27, अब देखिए 3 से होगा 39 जा, अब जैसे एक बार 3 आ गया ना, मैं आपसे बोल रहा था एक बार 3 आ गया तो अगले बार दो, अब 3 और आने हैं ऑटोमेटिकली आएगा, 3 जा और 31 जा, ठीक है आया ना, तो जैसे एक बार 3 से हो गया फिर अगले 3 ऑटोमेटिकली आ जाएंगे 13824। पर आप ये मत कर देना पहले वाला, अगर आपका यहाँ पे कुछ और नंबर लिख दिया आपने, आप उसके बाद डिवीजन और नंबर उसी नंबर से करने लगे, लाइक आपने 2 के बाद अगर यहाँ पे गलती से 5 से कर दिया और आप सोचने लगे कि अगले भी 5 से होंगे, सर ने कहा था, तो आपका ये फर्स्ट करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कितने आ गए, ये ऐसा हो रहा है कुछ 2 × 2 × 2 फिर 2 × 2 × 2 इससे आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक बार और पेयर है 2 × 2 × 2 फिर एक 3 का मल्टीप्लाई बाय 3, तो यहाँ पे 2 से फिर एक 2 का पेयर, फिर एक 2 का, फिर एक 3 का, तो कितने पेयर बन के आए, एक फर्स्ट पेयर से एक 2, फिर एक 2, फिर एक थर्ड से भी एक 2, फिर एक 3 आ गया, तो कितना आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज दैट क्यूब रूट ऑफ 13824 इक्वल टू 2 × 4 × 8 × 3 × 24। ठीक है, ऐसे ही आपको और पार्ट्स भी करने हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है कि ये पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं आपका नेक्स्ट वीडियो जरूर बनाऊंगा उस पर। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स, कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, आपको बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। आपको मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ साथ साथ, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही लिखना है इसमें, ठीक है ना, तो आप समझेंगे लेकिन इसको, क्योंकि समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला है, क्यूब ऑफ एनी ऑड नंबर इज इवन, बोला है कि किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं, किसी भी ऑड नंबर का अगर हम क्यूब निकालते हैं तो वो इवन आता है, लाइक इफ यू हैव एन ऑड नंबर लाइक 1 or 3, सो व्हाट विल बी द क्यूब ऑफ 1, 1 × 1 × 1 दैट इज 1, एंड व्हाट इज द क्यूब ऑफ 3, 3 × 3 × 3 दैट इज 27। यहाँ पे हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नहीं, जो क्यूब है वो तो क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, इट मींस जो स्टेटमेंट दे रखा है क्या है, फॉल्स। ठीक है, बी पार्ट, अ परफेक्ट क्यूब डज नॉट एंड विद 2 जीरोज, बोल रहा है कि कोई भी परफेक्ट क्यूब नंबर बनाइए आप तो 2 जीरोज से तो कभी भी एंड नहीं होगा। देखते हैं, अगर 10 का क्यूब निकालते तो क्या आएगा, 10 × 10 × 10 तो कितने जीरोज आते हैं, 3 जीरोज, बिल्कुल सही है, क्योंकि वो बोलता है कि 2 जीरोज नहीं आते, तो बिल्कुल यहाँ पे 3 जीरोज आ रखे हैं, 2 से ज़्यादा आ रखे हैं, 3 के मल्टीपल में है, ठीक है ना, तो ये आपका ट्रू स्टेटमेंट है। थर्ड, इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, अगर हम किसी
नंबर का अगर स्क्वायर निकालते हैं और वो एंड किससे होता है 5 से, तो उसका क्यूब किससे एंड होना चाहिए 25, 25 से। इट मीन यूनिट डिजिट में आपका 5 फिर 2 आना चाहिए। समझते हैं इसे, ये कहना चाह रहा है। अगर आप मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, मैं दो एग्जांपल से करूँगा इसको क्योंकि मुझे आपको कुछ शो करना है। लाइक इफ़ यू आर फाइंडिंग द क्यूब ऑफ 5, ओके। लेकिन वो पहले बोलता है इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, तो पहले वह स्क्वायर निकालें हैं, तो स्क्वायर निकालने पे कितना आता है इसका 25, ठीक है ना, बोल रहा है ना। इफ़ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, तो ठीक है 5 का स्क्वायर निकाल दिया तो कितना आ गया, एंड किससे हो गया 5 से हो गया। देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, अब क्यूब निकालिए तो कितना आता है 5 मल्टीप्लाई बाय 5, तो 5 5 जा 25, 5 जा 125। इस केस में तो बिल्कुल सही आ रहा है। अगर हम किसी नंबर का, ये देखिए ना 5 का करा था हमने, 5 का अगर स्क्वायर निकाला तो एंड किससे हुआ 5 से, और क्यूब निकाला तो किससे एंड हुआ 25 से। लेकिन अगर हम एक नंबर 15 ले लें जरा, तो 15 का देखते हैं एक बार। तो देखिए यहाँ पे 15 का स्क्वायर, क्योंकि पहले केस में बोला ना उसने इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5, तो हमें स्क्वायर भी दिखाना है। क्या स्क्वायर इसका एंड विद 5 होता है, नहीं होता है। 15 15 जा क्या होता है 225, है ना। अब 15 का क्यूब निकाल के देखते हैं, तो स्क्वायर तो हमने निकाल ही रखा है यहाँ पे, 15 मल्टीप्लाई बाय 15, तो 225 मल्टीप्लाई बाय 15, 15 5 जा 75, 15 2 जा 30, 30 प्लस 7 37, 15 2 जा 30, 33। अरे ये क्या हो गया, यूनिट डिजिट पे तो 5 आया, उसके बाद सेकंड पे क्या है 70 आया। इट मीन अगर हम पूरे नंबर की बात करें, इट्स क्यूब एंड विट्स एंड्स विद 25, तो एंड नहीं हो रहा, हमेशा हर किसी नंबर के लिए ट्रू नहीं हो रहा है, इवेंचुअली किसी और नंबर के लिए हो रहा है, लेकिन 15 के लिए ट्रू नहीं हो रहा, तो लेकिन वो सबके लिए बोल रहा है इफ स्क्वायर ऑफ ए नंबर एंड्स विद 5 देन इट्स क्यूब एंड्स विद 25, तो नहीं होता, तो कौन सा स्टेटमेंट माना जाएगा, फॉल्स में आएगा, ठीक है। फोर्थ पार्ट, देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 8, ऐसा बोल रहा है कि कोई भी ऐसा परफेक्ट क्यूब नहीं है जिसका क्या जाओ, जिसमें यूनिट डिजिट 8 आ जाए। तो मान लीजिए 12 का निकालते हैं हम, ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, 12 का क्यूब निकालते हैं, ठीक है, 144 हो गया मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है, 1728 होता है, फिर भी चेक कर लेते हैं, 12 4 जा 48 12 4 जा 48 प्लस 4 12 1 जा 12 12 प्लस 5 70, ठीक है। अब देखिए ये बोल रहा है कि देयर इज नो परफेक्ट क्यूब विच एंड्स विद 25, तो 1728 तो परफेक्ट क्यूब नंबर है क्योंकि 12 को मल्टीप्लाई करके मिला है 3 बार, तो उस और इसके यूनिट डिजिट पे क्या आता है 8, तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया। नाउ फिफ्थ पार्ट, द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, बोल रहा है कि आपको अगर 2 डिजिट का अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसका क्यूब कितना आता है 3 डिजिट नंबर आता है। अच्छा सबसे छोटा अगर 2 डिजिट नंबर लेना चाहे तो 10 ले लेते हैं, क्योंकि हमें 3 डिजिट का नंबर चाहिए तो छोटा छोटा लेना पड़ेगा ना, तो देखते हैं 10 का लेके देखते हैं क्यूब क्या आता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये करने के बाद बेटा कितने डिजिट का आंसर आ रहा है, 4 डिजिट का हो, ये तो सबसे छोटी जो 2 डिजिट का नंबर था उसका भी 1000 आ रहा है, 1000 में 4 डिजिट का है, तो ये तो गलत स्टेटमेंट बोल रहा है बिल्कुल। ये बोलता है कि द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर मे बी अ 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर तो हो ही नहीं सकता, 2 डिजिट नंबर सबसे छोटी वाले का भी गलत आ रहा है, 4 डिजिट में आ रहा है मतलब कि आपका, तो इसको क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बोली है इसने। सिक्स, द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर मे हैव 7 or more digits, अब देखो बोल रहा है कि 2 डिजिट का कोई नंबर ले लो 2 डिजिट का, और उसमें क्या बोलते हैं 7 डिजिट आ सकती है, बोल रहा है 7 या उससे ज़्यादा आ सकती है, तो सबसे बड़ा ले लेते हैं क्योंकि सबसे 7 डिजिट का चाहिए तो हमें बड़ा बड़ा नंबर लेना पड़ेगा, तो सबसे बड़ा 2 डिजिट का नंबर होता है 99। अगर इसका क्यूब लेके देखना, आपको करना नहीं है बस समझना था, आपको तो सिर्फ ट्रू फॉल्स पर लिखना है, ठीक है। द क्यूब ऑफ 2 डिजिट नंबर में है 7 डिजिट, अगर मैं 99 लेता हूँ तो 99 मल्टीप्लाई बाय 99 मल्टीप्लाई बाय 99, इसका क्यूब निकालने पर आता है 970299, ठीक है। अब देखो कितने डिजिट का आया, 3 प्लस 3 6, अब देखो सबसे बड़ी अगर 2 डिजिट का नंबर 99 है और उसका क्यूब निकालने के बाद 6 डिजिट का आंसर आ रहा है, तो इसके बाद तो जो भी नंबर आएगा वो तो 3 डिजिट का आ जाएगा, मतलब ना 99 के बाद तो 100 होता है, तो ये पॉसिबिलिटी गलत बता रहा है बेटा। देखो द क्यूब ऑफ अ 2 डिजिट नंबर में है 7 or more digit, नहीं हो सकती, सबसे मैक्सिमम लेके भी हमने देख लिया उसमें भी कितनी आई, 6 आई। अगर ये स्टेटमेंट इसकी जगह ये बोलता है द क्यूब ऑफ
टू डिजिट नंबर में हैव सिक्स डिजिट, उस समय हमारा आंसर सही होगा। इसके अकॉर्डिंग ये गलत है तो हम क्या बोलेंगे, फॉल्स स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट है? फॉल्स स्टेटमेंट है, बिल्कुल नहीं पॉसिबल है, क्योंकि सबसे बड़े वाले में भी सिक्स डिजिट ही आ रही है। सेवंथ पार्ट, द क्यूब ऑफ अ सिंगल डिजिट नंबर में बी अ सिंगल डिजिट नंबर। बोला है कि सिंगल डिजिट नंबर का क्यूब निकालेंगे तो पॉसिबिलिटी है कि उसका क्यूब क्या आएगा, सिंगल डिजिट। तो वन ले लेते हैं, वन का क्यूब निकालने पे क्या आता है, वन मल्टीप्लाई बाय वन मल्टीप्लाई बाय वन, और आंसर कितना आ जाएगा, वन। तो हो सकता है ना पॉसिबल, तो ट्रू आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यू आर टोल्ड दैट 1331 इज अ परफेक्ट क्यूब, कैन यू गेस विदाउट फैक्टराइजेशन व्हाट इज इट्स क्यूब रूट। सिमिलरली गेस द क्यूब रूट्स ऑफ 4913, 12167 एंड 32768। बोल रहा है कि आपको पहले से बता दिया है कि ये सब क्या है, परफेक्ट क्यूब नंबर्स। आपको इन सब का क्यूब रूट निकालना है बट विदाउट प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब कैसे निकालते हैं, क्या ये पॉसिबल है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, जो कि मैं आपको आज मेथड सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल, जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर होते हैं उनका क्यूब रूट निकालना बहुत ज़्यादा आसान है, बस आपको याद रखना है 1 से लेके 10 तक के क्यूब। तो 1 से लेके 10 तक के क्यूब को फटाफट से एक बार रिकॉल कर लेते हैं। 1 का क्यूब होता है 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 3 का होता है, मैं सीधे लिख रहा हूँ, 3 3 जा 9 3 जा 27, 4 4 जा 16, 5 का 125, 6 का 216, 314, 8 का 512, 9 9 जा 81, 729 और 10। ठीक है, इतना आप याद कर लो, बस काम बन चुका है आपका। ठीक है, देखते हैं आप कैसे निकालना है। अब देखिएगा, ध्यान से देखना यहाँ से, क्योंकि ये कुछ स्पेशल है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं फर्स्ट पार्ट लेता हूँ, मैं आपको आज एक शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप क्यूब रूट निकाल सकते हैं बिना प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, और मैं बहुत सारे एग्जांपल बताना हूँ, और ये सब भी कराने वाला हूँ, जो मैंने पार्ट नहीं किए थे ना उनके भी आपके आंसर निकाल दूंगा मैं इस शॉर्ट ट्रिक मेथड से। सबका पॉसिबल है इससे निकालना, बस देखना आपको मेथड। देखिए, सबसे पहले आपको पेयर बनाना है थ्री का। थ्री का पेयर बना लिया आपने, क्यूब में हमेशा पेयर बनेगा थ्री का, तो हम सब में ही बना लेते हैं पेयर। ठीक है, ये सब में थ्री का, और बाकी के बच्चे नंबर वो जितने भी हैं एक साथ करने हैं आपको सॉल्व। जैसे वन बचा है ना, तो एक साथ जितने भी बच गए, मतलब आया मैं, अगर मान लो 5 6 3 4 1, जितना भी बचता ना वो सब एक में काउंट होता। गॉट इट, 1 3 3 1। तो क्या किया हमने, पेयर बना लिया थ्री का। अब आपको ये देखना है, जो पेयर बनाया ना उसमें ये वन दिख रहा है, तो वन किसके क्यूब में आता है, देखो ऐसा कोई और नंबर है ही नहीं, सीधे वन है, है ना। वन के अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसके अगर क्यूब निकालना तो वन आएगा। देखिए, 1 का क्यूब निकालने पे 1 आता है, 2 का क्यूब निकालने पे 8 आता है, 3 का क्यूब निकालने पे, यूनिट डिजिट की बात कर रहा हूँ मैं, 2 का 7 आता है, 4 का 4 आता है, 5 का 5 6 का 6, 7 का 3 8 का 2, 9 का 9 0 का 0। इसका मतलब कि हर एक नंबर का अलग अलग आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वन किस में आता है, 1 का क्यूब निकालने पे, तो पहला आंसर आपका आ चुका है 1। ठीक है, अब देखिए कितना ईजी है ये, चुटकियों में फिंगर्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए, 1 आ गया। अब देखिए, अब ये बचा 1 ना, जो आपके नंबर रह जाएंगे, रह कौन सा गया, 331, इसमें कवर हो चुका, पूरा सॉल्व कर लिया आपने, 1 आ गया इसका। अब रह गया क्या, 1। 1 के बराबर या 1 से छोटा किसी नंबर का क्यूब होता है तो मुझे बता दीजिए। तो 1 के बराबर या 1 से छोटा किसी नंबर का क्यूब होता है, बिल्कुल होता है, 1 का क्यूब 1 के बराबर होता है। अब क्या वेट कर रहे हैं, आंसर आ चुका है आपका 11। बिल्कुल, इतनी इजी इजी मेथड है। देखिए, क्यूब रूट इक्वल टू 11। देखते हैं सेकेंड पार्ट, 4913, जैसे कि मैंने आपको कहा था फर्स्ट में आपको पेयर बना लेना है। ठीक है, पेयर बनाने के बाद आपको ये देखना है थ्री किसके क्यूब में आता है। देखिए देखिए, ये पकड़ा गया यहाँ पे, 7 7 का क्या आ गया 3, तो 7 आ गया। अब 4 के बराबर या 4 से छोटा किसी का क्यूब आता, 4 के बराबर तो किसी का नहीं आता, 1 1 का क्यूब निकालेंगे तो क्या आएगा, 1, 2 का क्यूब निकालेंगे तो 2 2 जा 4 2 जा 8, इससे बड़ा आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 17 का क्यूब होता है। अब आपको मजा आ रहा होगा, जल्दी जल्दी आंसर आ रहे हैं, 17। थर्ड वाला देखते हैं, 12167, देखिए 3 पहले में ही आएंगे, 3 का पेयर बनेगा ही बनेगा। ठीक है, तो 167 आ गया। अब आपका 7 किसके उसमें आता है, 7 किस में आता है, देखिए 7 7 7 किस में आ रहा है,
3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 आ गया। अब देखिए कितने नंबर कवर हो गए, 1 6 7। अब आपका एक 12 बचा ना, दूसरा 12 बचा, इसमें क्या आएगा, देखो 12 से जस्ट छोटा या 12 के इक्वल किसी नंबर का क्यूब होता है क्या? यस 2 का होता है, जस्ट छोटा होता तो 1 का भी है, 1 का क्यूब कितना होता है 1, 2 2 जा 4 2 जा 8, 8, यहाँ पे 2 को प्रायोरिटी दी जाएगी तो क्या आएगा 2, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27 होता है, 3 का तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या आएगा हमारा 1 2 1 6 7। तो क्यूब रूट ऑफ, ये सारे किस चीज के लिए, परफेक्ट क्यूब नंबर्स के लिए मेथड है, ठीक है ना। तो कितना आ गया 23। अब इसको करते हैं सॉल्व, 3 2 7 6 8, ठीक है। अब क्या करना है, पेयर बना लिया 3 का, ये 32 अलग से बन गया, ठीक है, जितने रह गए लास्ट में वो अलग अलग। अब देखिए 7 6 8 में जो यूनिट डिजिट है 8, यूनिट डिजिट है 8, ये किस नंबर का क्यूब करने पे यूनिट डिजिट आती है, 2 का, 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 में ही तो आ रही है 8, और किसी और में तो नहीं आ रहा ना, नहीं आ रहा क्योंकि सब में अलग अलग है, तो 2 आ गया, तो एक आंसर तो आ गया आपका 2, किससे आया 7 6 8 से आया आपका 2। अब देखिए 32 से जस्ट छोटा किस नंबर का क्यूब होता है, 2 2 जा 4 2 जा 8, 1 1 जा 1 1 जा 1 1, 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 का आ रहा है क्योंकि 4 4 जा 4 का तो ज़्यादा हो जाएगा, आपको लिखा ही है 64 होता है, तो 3 का आ जाएगा, तो 3 3 जा 9 3 जा 27, तो 3 आ जाएगा, तो आ गया इसका भी आंसर अंडर रूट 3 2 7 6 8 क्यूब रूट ऑफ 6 8 इक्वल टू 32, ठीक है। जब चेक करते हैं, हमने आज एक क्वेश्चन सॉल्व किया था, जैसे आपके सामने वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था ना, चलो इसको भी ट्राई करके देखते हैं, इसका आंसर हमको पता था कितना आया था, आप वीडियो में पीछे जाके देख सकते हैं, वैसे आपको याद होगा, चलिए मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ 15 6 2 5, तो पेयर बना लिया आपने और ये अगला पेयर है, ठीक है। किसके क्यूब में आता है यूनिट डिजिट पे 5, 5 के याद है ना, 5 के, तो पहला आंसर आ गया 5। अब ये जो 15 है, जो 15 है इससे जस्ट छोटा किसका क्यूब होता है, जस्ट छोटा 2 का क्यूब होता है, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27 हो जाएगा और 2 2 जा 4 2 जा 8, तो ये 15 आ गया, कितना तो 25 ही आया होगा, आप चेक कर लीजिएगा वहाँ, तो क्यूब रूट ऑफ 15 6 2 5 इक्वल टू 25। कुछ और करते हैं, थोड़ा माइंड में स्टेबिलिटी और आ जाएगी, यहाँ पे भी आ जाएगा इतने छोटे में भी आंसर, ये तो मुझे अगला पेज यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है फिलहाल, यहाँ पे 4 6 6 5 6, ठीक है। तो पेयर बना लेते हैं, ये पेयर बना लिया, 3 का बनेगा पेयर, बस सब में एक जैसा पैटर्न है, मैं रिपीट कर दूं एक बार और रिपीट कर दें क्योंकि क्वेश्चन कुछ लास्ट होने के लिए जाने वाले हैं, शायद मैं आप एक और कराऊं, देखते हैं क्या बताया था। राइट हैंड साइड से 3 का पेयर ले लो किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, 3 का पेयर ले, बाकी जो रह गए कुछ भी हो सारा एक पेयर में आएगा, अगला मतलब अगला पेयर वही है कि आपको देखना है कि किसका क्यूब रूट उससे छोटा आता है, ठीक है। तो पहले वाले में 6 5 6 आ गया, बचा 46, तो देखते हैं यहाँ पे कि 6 किसके क्यूब में आता है, 6 क्या आता है, तो 6 का आ गया पहला आंसर आ गया 6, इससे आया हमारा 6, ठीक है। अब 46 से जस्ट छोटा किसका होता है, 4 का ज़्यादा बड़ा हो जाएगा है ना, 3 का ही आएगा, तो 36 का क्यूब होता है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ 4 6 6 5 6 इक्वल टू 36, ठीक है। मैं एक और पार्ट कर देता हूँ सेवन्थ वाला, ठीक है, सेवन्थ वाले में 11 0 5 9 2, 3 का पेयर ले लिया, ये ले लिया, ठीक है। 2 किस में आता है, देखिए 8 का क्यूब निकालते हैं तो 512, मैंने लिस्ट हटा दी, अगला वाला पेयर आ गया, तो 8 के क्यूब में आता है 2, वैसे भी आप लिख सकते हैं, सबसे पहले आप लिस्ट बना लीजिएगा, ठीक है ना, तो 8 के क्यूब में यूनिट डिजिट क्या आती है, 2 आती है, तो पहला आंसर तो आ गया 8, ठीक है। अब 110 से जस्ट छोटा किस नंबर का क्यूब होता है, देखिए अगर यहाँ पे 5 का लेंगे, 5 का क्या होता है, 5 5 जा 25 5 जा 125, 5 का बड़ा हो जाएगा, तो किसका आएगा, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 4 का आएगा, कितनी जल्दी निकल जा रहा है ना, इसका भी निकल गया, तो क्या किया हम देखो इस क्वेश्चन में, थोड़ा और आपको यूनिकनेस नजर आई होगी, 3 का पेयर बन गया फर्स्ट में, फिर ये 110 एक साथ लिया हमने, और इससे जस्ट छोटा देखा या इसके इक्वल भी देखते हैं, इक्वल नहीं देख रहा क्योंकि आपको सिमिलरली पता चल रहा होगा कि 110 किसी का भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता, तो ठीक है 110 से जस्ट छोटा नंबर लिया, 4 का क्यूब आता है, तो 48 फिंगर्स में कर सकते हैं। अब तो आपको बहुत अच्छे से मेथड आ गई होगी, चलो एक और लास्ट और कर देता हूँ मैं 9 1 1 2 5, क्योंकि मुझे खुद मजा आ रहा है आपके, आपको बताते बताते, ठीक है 125, तो 5 का आ गया, 91 से जस्ट छोटा, यस यस बताइए, 4 4 जा 16 4 जा 64, तो 45 का होता है,
ठीक है, ऐसे ही आप और क्वेश्चंस को भी करिएगा, जितने भी क्यूब्स हैं उन पे ट्राई कीजिएगा ये मेथड को, आपका 100% जो भी परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं उस पे अप्लाई जरूर होगी। थैंक यू स्टूडेंट।